सभी को आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वह टॉपिक है तथागत गौतम बुद्ध इनके दिए हुए मार्गदर्शन के संबंध में। हम आज देखते हैं कि भारतवर्ष में बुद्ध को हम ऐसा मानते ही नहीं कि वो इस देश के पैदा हुए, हम ऐसा मानते हैं कि कोई विदेश से आए हैं या उनका जो ज्ञान है उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध जब संबोधि को उपलब्ध हुए उस वक्त उनके सामने कोई समस्या नहीं थी, उनकी समस्या तो खत्म हो गई थी, उनका दुख तो खत्म हो गया था, लेकिन उनके अंदर जो करुणा और मैत्री जो जागी, उस करुणा और मैत्री ने अपने चक्षु जब खोले तो करुणा और मैत्री से परिपूर्ण चक्षु जब संसार की तरफ गए तो संसार के लोगों के प्राणी मात्र के दुख को खत्म करने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और जो मार्गदर्शन दिया वो केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है, वो केवल गृहस्थ के लिए नहीं है, बल्कि सभी प्राणी मात्रों के लिए है। सभी प्राणी मात्र में सबसे महत्वपूर्ण जो प्राणी है वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास में बुद्धि है और वो बुद्धि का विकास करके अपने आप को सुरक्षित कर सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है और वो सारी पृथ्वी तल का, सारी प्राणी मात्र का संरक्षण कर सकता है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये वैज्ञानिक ढंग से बुद्ध कोई भी बात रखते थे तो वैज्ञानिक ढंग से रखते थे। उन्होंने शोध के जो तत्व बताए उन्होंने चार चीज़ों पर ध्यान दिया, क्योंकि कोई भी अगर घटना घटती है तो उसके पीछे कारण होता है। अगर कोई घटना घटी है तो उसके पीछे कारण है, अगर किसी घटना का निवारण करना है तो उसका भी कोई कारण है, उसका भी कोई रास्ता है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जो महत्वपूर्ण चीज बताई है वो दी है चार आर्यो सत्य। आर्यो सत्य मतलब, आर्यो मतलब क्या होता है, आर्यो मतलब शत्रुत्व, शत्रुत्व को नष्ट करने वाले सत्य, सत्य मतलब सच्चाई का रास्ता। तो सबसे पहले कोई भी दुख, कोई भी समस्या, उसका समाधान करना है तो उसके जड़ तक जाना जरूरी है, ये तथागत मानते थे। तो तथागत ने ये देखा कि दुख है तो दुख का कारण है, कोई भी दुख है तो दुख का कारण है और दुख का निवारण है तो निवारण का मार्ग है। मार्ग का मतलब क्या है कि तथागत के जीवन में उन्होंने ये देखा कि एक साधारण सा गृहस्थ किस प्रकार से अपनी उन्नति करे। उन्नति का अर्थ केवल ये नहीं कि बहुत सारी संपत्ति एकत्र करना, उन्नति का अर्थ ये नहीं है कि आपने बहुत अच्छा स्वास्थ्य ग्रहण कर लिया तो बहुत उन्नति कर ली। उन्नति का मतलब है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि संपत्ति से तो समृद्धशाली हो ही, शारीरिक भी समृद्धशाली हो और मानसिक भी समृद्धशाली हो, तो तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का कॉम्बिनेशन जहाँ बनता है वहां पर व्यक्ति समृद्धशाली कहलाता है। और समृद्धशाली किस लिए, क्योंकि कर्म करते हुए ऐसे कर्म करना कि उस कर्म के कारण आपकी गति सदगति हो। सदगति का मतलब क्या, उनका सदगति का मतलब उनका दुख से मुक्ति हो। तो तथागत ने यह जाना कि संसार के अंदर दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है, दुख का कारण है कि व्यक्ति भ्रांति में पड़ा है, उसको पता नहीं है कि सच्चाई का रास्ता क्या है, वो ऐसी चीजों में पड़ा है कि उसको पता ही नहीं होता कि जीवन में जाना कहाँ है, वो कंफ्यूजन है। तो ये दुख का कारण है, अज्ञान ही दुख का कारण है तथागत के नजर में, अज्ञान ही दुख का कारण है। और अज्ञान से मुक्ति का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग के लिए उन्होंने बताया सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि ये पहली सीढ़ी है दुख मुक्ति की। पहली सीढ़ी किस प्रकार से, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है राइट दृष्टिकोण।
राइट दृष्टि का मतलब होता है कि एकदम सही दृष्टि। सही दृष्टि का जो महत्वपूर्ण अर्थ है वो है कार्यकारण का सिद्धांत। कार्यकारण का सिद्धांत तो मतलब है काज और इफेक्ट का लॉ। काज इफेक्ट का लॉ का मतलब है कि कोई भी घटना घटित हुई है ये उसका कोई कारण है, उसका कारण क्या है उसको शोध करना। अगर वो कारणों को ही हम अगर नष्ट कर देते हैं तो उसका परिणाम है वो अच्छा आएगा। कारण क्या होता है कि सपोज मान के चलिए कि अगर आपने गलत चीज के बीज बोए और आप चाहते हो कि अच्छी चीज का पौधा है तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो आपने बीज बोया उसका पौधा आएगा और कब आएगा, वो इसी जन्म में आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि आपके पुराने कर्म के कारण आप इस जन्म में आए, ऐसा हो रहा हो ऐसा हो रहा, ये सब मूर्ता की बातें हैं। महत्वपूर्ण बातें ये है कि आपका जीवन जो है ये एक सदगति प्राप्त करने के लिए इस धरती पर आया है। अगर आपने उसको सही दृष्टिकोण से, सही व्यू से और सही डायरेक्शन से अगर आपने अपने लक्ष्य निर्धारण किए और आपने अपने चित्त को शुद्ध किया, मन को शुद्ध किया, इंद्रियों को डिसिप्लिन किया, तो फिर आपको एक सच्चाई का रास्ता मिलेगा और आपका जो दृष्टिकोण होगा ये सम्यक दृष्टि होगी। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि राइट दृष्टि। राइट दृष्टि का मतलब है इंटरनल आई। इंटरनल आई अगर पॉजिटिव है, आपका फोकस अगर पॉजिटिव है, आपका पूरी चीजें पॉजिटिव होना चालू हो जाएगी। क्योंकि आपका फोकस पॉजिटिव है, आपका फोकस पॉजिटिव है तो आपका एक्शन पॉजिटिव होगा, आपका एक्शन पॉजिटिव, आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा। आपका थॉट प्रोसेस अगर पॉजिटिव है तो आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा, आपका बिहेवियर पॉजिटिव है तो आपका एक्सपेक्टेशन भी पॉजिटिव होगा। तो सारी जो पॉजिटिवनेस है आपके अंदर में आएगी, जो भी निगेटिव चीजें हैं वो आपसे दूर भाग जाएगी। क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा जो ऑरा है, जो शरीर का ऑरा है, ये पॉजिटिवनेस की तरफ जाएगा। उसके बाद है कि ये डायरेक्शन, बुद्ध कहते हैं कि सम्यक दृष्टि से ही काम नहीं चलेगा, उसके बाद में आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आपने संकल्प नहीं लिया तो आपको एक प्रबल इच्छा शक्ति प्राप्त नहीं होगी, और प्रबल इच्छा शक्ति प्राप्त नहीं होगी तो आप अपने को दृढ़ निश्चय नहीं बना पाएंगे। दृढ़ निश्चय के लिए ही संकल्प सम्यक संकल्प है, संकल्प करना। और संकल्प कैसा हो कि सम्यक दृष्टि वाला हो, सम्यक दृष्टि वाला संकल्प, गलत संकल्प नहीं, गलत भावना नहीं, गलत व्यवहार नहीं, एक सही भावना, सही व्यवहार और सही संकल्प, जो कि एक अष्टांगिक मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में तथागत ये कहते हैं कि सम्यक संकल्प के बाद में, और संकल्प कैसे होना चाहिए, आपकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा उच्च स्तर की होनी चाहिए, निम्न स्तर की नहीं होनी चाहिए, गौण नहीं होनी चाहिए, किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए, बड़े बड़े उद्देश्य के लिए होना चाहिए। जैसे तथागत ने अपना उद्देश्य बनाया था कि मैं पूरे संसार के अंदर में धम्म का राज्य लाऊंगा। धम्म का राज्य मतलब नैतिकता का शासन लाऊंगा। नैतिकता का शासन मतलब एक ऐसा सदाचार का शासन लाऊंगा कि जिसमें संपूर्ण मानव मात्र सुखपूर्वक जिए, आनंदित हो, और उनको जीवन में ईश्वर के साथ साथ में शारीरिक सुख भी प्राप्त हो, मानसिक सुख भी प्राप्त हो, और उनके जीवन से दुख दूर हो। वो उनका एक बड़ा संकल्प था। तो आप भी अपने लिए एक संकल्प ले सकते हैं। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मुझे जीवन में सदगति के मार्ग पर जाना है, मुझे अपने परिवार को खुश करना है, मुझे अच्छा व्यापार करना है, अच्छी पढ़ाई करना है, अच्छा ऑफिसर बनना है, अच्छा व्यवसायी बनना है, अच्छा लेखक बनना है, और इसका उद्देश्य है मानव मात्र की सेवा करना, चाहे किसी भी तरीके से, ये कि सदगति का मार्ग हो गया। तो ये इस प्रकार का संकल्प होगा। तो सम्यक दृष्टि हो गई, सम्यक संकल्प हो गया। उसके बाद आता है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका कैसी होना चाहिए? अच्छी आजीविका होनी चाहिए। उस आजीविका के अंदर में ऐसी आजीविका होना चाहिए जिसमें लोगों का भला हो, जिसमें लोगों का बुरा नहीं हो, और उस आजीविका के अंदर में आपका जो दृष्टिकोण हो ये लंबा दृष्टिकोण हो। ऐसा नहीं कि आपने लोगों को कुछ भी बताया, कुछ भी समझा दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं। एक बड़ा दृष्टिकोण उनके लिए भी कल्याणकारक हो, अपने लिए भी कल्याणकारक हो। और ये कल्याण कब होगा? जब हम सदगति के मार्ग होंगे, सम्यक दृष्टि वाले होंगे, सम्यक संकल्प वाले होंगे, तो हमारी आजीविका भी सम्यक आजीविका होगी। फिर उसी प्रकार से हमारी जो वाचा है ये भी सम्यक होना चाहिए। वाचा का मतलब है कि हमारी जो बातचीत है उद्देश्यपूर्वक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गैर उद्देश्यपूर्वक कुछ भी बोलने लग गए, किसी को कुछ भी बड़बड़ करने लग गए। एक उद्देश्यपूर्वक हो बात, और ऐसी व्यर्थ की भाषा नहीं हो, व्यर्थ की गाली गलौज वाली भाषा नहीं हो, एक मैत्रीपूर्वक भाषा हो, जिससे कि लोगों के अंदर में एक अच्छा आचरण पैदा हो, आपको भी बढ़िया लगे। मैत्रीपूर्वक भाषा, अच्छी बोलने वाली भाषा, और जो लोगों को कर्णप्रिय हो, ऐसी भाषा। तो इस प्रकार से सम्यक वाणी का हमको उपयोग करने की जरूरत है। उसके बाद में आता है सम्यक कर्मांत। हमको ऐसे कार्य करने की जरूरत है, ऐसे कर्म करने की जरूरत है कि जो अष्टांगिक मार्ग को हमको आगे ले जा सके।
इसके महत्वपूर्ण है कि प्राणी मात्र को सुरक्षित रखना अर्थात जीव हिंसा से दूरी रखना, और इसके अलावा कर्मांत में आते हैं कि अच्छे सत्कर्म करना कि जो जन कल्याणकारी हो, अपने लिए भी कल्याणकारी हो, अपने आप को जागृत में रखना, होश में रखना, और होश में रख के अच्छे कार्य करना। तो ये सम्यक कर्मांत के अंदर आते हैं। फिर आता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के अंदर में है कि जो गलत चीजें ब्रेन के अंदर, चित्त के अंदर निर्माण हुई उसको खत्म करना, और दूसरी चीज है कि जो अभी नहीं गलत चीजें उत्पन्न हुई उसको उत्पन्न नहीं होने देना। तीसरी चीज है कि जो अच्छी चीजें हमने उत्पन्न नहीं की उस अच्छी चीजों को उत्पन्न करना, और चौथी चीज है अच्छी चीजों का हमको संरक्षण करना। तो इसके चार बेसिक जो है, चार बेसिक है कि निगेटिव को एक तो उत्पन्न नहीं होने देना, उत्पन्न हुआ तो खत्म कर देना। तीसरा है पॉजिटिवनेस को उत्पन्न करना, अगर उत्पन्न किया है तो उसका संरक्षण करना। तो दो के चार बिंदु बनते हैं, तो ये चार को ध्यान रखना, ये है व्यायाम। फिर आती है हमारी सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब किस किस चीज पे, हमारी वेदनाओं पे स्मृति होनी चाहिए, हमारे चित्त के प्रति स्मृति होनी चाहिए, हमारी धम्म के प्रति स्मृति होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो हमारी स्मृति होगी, जो वेदनाओं के प्रति होगी, कभी हमको गुस्सा आ गया तो हमको वेदना जगती है तो उधर हमारा ध्यान होना चाहिए, गुस्सा का हमने मैत्री का डायलूशन करना चाहिए, मैत्री की तरफ ले जाना चाहिए। उसी प्रकार हमको अगर चित्त अगर विक्षिप्त तो हो रहा है, चित्त अगर सही डायरेक्शन नहीं दे रहा था, हमको ध्यान करना आना चाहिए, हमको होशपूर्वक रहना चाहिए। और कभी हम ढीले डाले हैं, आलस्य से है, तो फिर शरीर के प्रति हमको जागृत रहना चाहिए, क्योंकि शरीर के प्रति भी चेतना का होना बहुत जरूरी है, वेदना के प्रति चेतना का होना जरूरी है। और उसके बाद में आता धम्म के प्रति, धम्म भी है, धम्म होने जो प्राकृतिक नियम है, जो लॉज है, उसके प्रति भी हमको जन जागृत होना जरूरी है, जागृत होना जरूरी है। तो ये सम्यक स्मृति के अंदर आता है। सम्यक स्मृति का मतलब होता है होश। होश किस किस पर हुआ, चित्त के प्रति होश हो गया, वेदना के प्रति होश हो गया, शरीर के प्रति होश हो गया, धम्म के प्रति होश हो गया। धम्म का मतलब है कि जहाँ जो चीज लगती है वहीं उसका उपयोग करना। सपोज मान के चलिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपको निगेटिव चीज है तो उसको आपको पॉजिटिव लेना है। ये कैसे पता चलेगा, ये धम्म के प्रति जागृत होने से। किसी ने क्रोध किया तो अपन ने भी क्रोध किया तो क्या होगा, दोनों चीज बढ़ जाएगी। क्रोध के बदले किस चीज का आपको आंसर करना है, मैत्री से करना है। किसी के प्रति द्वेष है, द्वेष के बदले में अपने क्या करना है, करुणा करना है कि भाई ये आदमी गलत है लेकिन मैं अच्छा रहूंगा, मैं इसको सही डायरेक्शन में ये करूंगा, और हर समय अपने अच्छे लोगों को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो अष्टांग मार्ग के हम आगे जाएंगे तो वो आती है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि काय के लिए है, यह है कि जो शरीर के अंदर में जो संशय निर्माण होते हैं और जो आलस्य निर्माण होता है, इन सबसे विजय प्राप्त करने के लिए सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि का पहला बिंदु ये है कि हमको सभी अच्छी चीजें अपने ब्रेन को प्रोवाइड करना। फिर अच्छी चीजें प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो निगेटिव चीजें हैं वो खत्म होती है। निगेटिव चीजें खत्म होने से क्या होती है कि हमारा ब्रेन जो चित्त है वो शुद्ध होते जाता है। चित्त शुद्ध होने के बाद में क्या होता है कि हम संतुलित हो जाते हैं। संतुलित होने के बाद में क्या होता है, हमको मार्ग दिखता है। मार्ग के बाद में क्या, हम एकदम शांत हो जाते हैं। एकदम शांत वाली दशा के अंदर में जब, जैसे कि मान के चलिए कि एक तालाब है और तालाब में गंदा पानी था, उस पानी को हमने शुद्ध कर दिया। शुद्ध करने के बाद में अब उस तालाब के अंदर से आपको सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। जैसे सपोज मान के चलिए कि उसमें तालाब में मछलियाँ हो, अच्छे कोई शंख हो, पुष्प हो, हर चीज है आपको दिखे, क्योंकि तालाब अभी शुद्ध है। उसी प्रकार से जब आप समाधि के मार्ग पे जाते हैं तब आपको अपने समस्या का निराकरण वहां पर मिलेगा, क्योंकि आपका अभी चित्त पूरा क्लीन हो चुका है, आपका मन पावरफुल हो चुका है, और उस दशा के अंदर में आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ले जा सकते हो कि आप कोई भी चीज का हल करना चाहे आपको हल मिलेगा। इस प्रकार से जो अष्टांग मार्ग है ये दुख नष्ट करने का मार्ग है। तथागत ने एक उपासक के लिए, जो कि सदग्रस्त है, जो अपने काम में व्यस्त है, उनके लिए एक कर्म की एक व्याख्या की है। तो बुद्ध का मार्ग पूरा साइंटिफिकली मार्ग है, वैज्ञानिक वाला मार्ग है, जागरण वाला मार्ग है, होश वाला मार्ग है, यह आपके लिए उन्नति का मार्ग है, और आपके साथ में एक सत्कर्म का मार्ग है। ये आपके साथ जाने वाला सत्कर्म है, अच्छाई वाला सत्कर्म है, इसको आप समझिए और अपनी तरक्की के साथ समाज की तरक्की करिए, परिवार की तरक्की करिए, देश की तरक्की करिए,
और सभी का कल्याण हो ऐसी भावना निर्माण करके एक ऐसे समृद्ध भारत के और समृद्ध विश्व के निर्माण के लिए अपने आप को आगे ले जाइए और खुद भी सुखी होइए, लोगों को भी सुखी हो करिए और इस प्रकार से भावना निर्माण करके आप आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो और सभी का मंगल हो। अभी आपने जिस विषय पर मेरा व्याख्यान सुना है उस पर आपको अगर ये व्याख्यान पसंद आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और लाइक करिए।